बांदीकुई जिले के बसवा थाना इलाके में कोलाना स्थित जेल से शुक्रवार को दो कैदी दीवार फांदकर भाग निकले। घटना का पता चलने पर जेल महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आनन फानन में टीमें गठित कर दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन दोपहर तक पता नहीं चल पाया। लूटपाट के मुकदमे में जेल में बंद थे ये दोनों कैदी। जानकारी के अनुसार जेल से भागने वाले बंदी शाद और साबिर हैं। पिछले साल नवंबर में बसवा इलाके में बिजली निगम ऑफिस में लूटपाट के मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तब से दोनों कोलाना गांव स्थित उप कारागृह में बंद थे। शुक्रवार सुबह करीब 6:45 बजे जेल में बंदियों को चाय नाश्ता दिया गया। तब तक दोनों बंदी इशाद और साबिर वहां मौजूद थे। इसके बाद वे दोनों जेल से भाग निकले। जेल में बंद चल रहे दोनों कैदियों ने अपने 3-4 कंबलों को फाड़कर काफी लंबी रस्सी बनाई। इसके सहारे वे जेल की करीब 25 फीट लंबी दीवार फांदकर भागने में कामयाब रहे। अब जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर बसवा थाना पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जेल की बाहरी सुरक्षा में तैनात आरएसी का एक जवान अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था, तब उसने जेल की बाहरी दीवार की तरफ कंबल की रस्सी लटकते हुए देखा। संदेह होने पर आरएसी जवान ने जेल प्रबंधन को सूचना दी। जेल अधिकारियों ने वहां मौजूद बंदियों की गिनती करवाई, तब इशाद और साबिर गायब नजर आए। इसके बाद जेल महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल बसवा पुलिस और उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई।